गुड मॉर्निंग क्लास बेटा, चैप्टर 16 छींके, ये बहुत अच्छी कहानी है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ये उन लोगों के लिए बच्चों जो अंधविश्वास में रहते हैं, ठीक है, जो बार बार पंडितों के पास जाते हैं कि मेरा काम धंधा कब चलेगा, मेरी मृत्यु कब होगी, मेरा मैं पैसा कब कमाऊंगा, ये सब बार बार पंडितों के चक्कर में जो पढ़ते हैं ना, उसी अंधविश्वास के बारे में ये कहानी है, ध्यान से सुनिए बच्चों। एक किसना था, किसना के दो बेटे और दो बहू थी, ठीक है। घर में सारा राज था वो किसना का ही था, मतलब किसना के मर्जी के बिना कोई भी काम नहीं होता था, बेटे बहू सब उससे पूछ के ही काम करते थे। लेकिन वो पूछ के तो करते थे, डरते तो थे, लेकिन मन ही मन सोचते थे पता नहीं ये बुड्ढा कब मरेगा और कब हमारी जान छूटेगी। तो एक दिन किसना अपनी बड़ी बहू की ये बात सुन लेता है, बड़ी बहू अपने पति यानी कि बड़े बेटे से बोलती है कि ये बुड्ढा कब मरेगा और कब हमारी जान छूटेगी, है ना। तो किसना ये बात सुन लेता है, तो किसना मन ही मन सोचता है कि क्यों ना मैं अपना ये थोड़ा सा जीवन बचा है तो सब कुछ अपने बच्चों को दे दूं, क्यों ना मुझे पता चल जाए कि मेरी मृत्यु कब होगी। ये सोच के वो पंडित जी के पास जाता है और पंडित जी से कहता है कि पंडित जी मुझे बताओ मेरी मृत्यु कब होगी। अब पंडित जी कहते हैं तुम्हें क्या मतलब है इससे, तुम तो अपना जीवन जियो आराम से अनजान बन के, क्योंकि अगर हमें पता चल जाता है कि हमारी मृत्यु अब होगी, मतलब समय का पता चला तो हम टेंशन में वैसे ही मर जाएंगे, मतलब तुम तो चिंता में मर जाओगे, इससे बढ़िया कि अनजान बन के आराम से मस्ती से जियो। लेकिन किसना नहीं मानता, नहीं पंडित जी आपको तो बताना ही पड़ेगा कि मेरी मृत्यु कब होगी। तो पंडित जी कहते हैं जब तुमको 3 छींके आ जाएंगी तब तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, अगर तुम्हें महीने में 1 छींक आई तो तुम 3 महीने में मर जाओगे, ठीक है। अगर तुम्हें 1 साल में 1 छींक आई तो तुम 3 साल बाद मर जाओगे, अगर तुम्हें 5 साल में 1 छींक आई तो तुम 15 साल बाद मर जाओगे, ठीक है। यानी कि तुम्हारे जीवन और मृत्यु में क्या है, 3 छींके। अब भाई किसना तो समझ गया कि आज से मैं छींकना बंद। अब वो घर जाता है, घर जाता तो जो बैल होते हैं, पशु होते हैं, भूख के मारे आवाज कर रहे होते हैं, है ना, भय भय कर रहे होते हैं, आवाज बुला रहे होते हैं। तो किसना देख बोलता है कि ये लो, आज तो जानवरों को भूसा भी नहीं दिया। तो भूसा वाला कमरा होता है ना एक, जिसमें भूसा भरा होता है, तो आप देखते हो बच्चे एकदम से वहां जाते हैं तो वो धूल हमारी नाक में जाती है, छींक आती है। तो किसना जैसे ही जानवरों के लिए भूसा लेने जाता है तो उसकी नाक में वो धूल मिट्टी जब जाती है तो वो उसको खुजली चलती है नाक में, तो नाक में उंगली देख के खुजली करने की कोशिश करता है, लेकिन हो जाता क्या है, उल्टा उसको छींक आती है। वो बहुत कोशिश करता है नहीं छींकने की, लेकिन वो छींक देता है। अब तो किसना परेशान हो गया कि अब तो मेरी और मृत्यु के बीच में 2 ही छींके बची है, अब तो कुछ भी हो जाए मैं छींकूंगा नहीं। तो अपने दोनों बेटे बहू से कहता है कि आज से पशुओं को चारा डालने का काम आप लोगों का है, मैं नहीं डालूंगा, ठीक है भाई। बेटे बहू मान जाते हैं। अब अगले दिन क्या होता है, सुबह हल्की हल्की ठंड होती है और किसना चल जाता है कुएं पे नहाने। आप जानते हो ना गाँव में कुएं पे नहाने जाते हैं। अब कुएं पे नहाता है वो ठंडे ठंडे कुएं के पानी से, तो एक तो ठंडे ठंडे पानी से नहाता है, ऊपर से मौसम ठंडा होता है, तो वही आप जानते हो ठंडा ठंडा लगता तो हमें छींक आती है ना। तो किसना को भी हल्की सी ठंड लगी और उसको यूं लगा कि अब मेरे को छींक आ जाएगी। वो बहुत कोशिश करता है, मुंह बंद करता है, नाक बंद कर लेता है छींकने की, लेकिन बच्चों क्या प्राकृतिक क्रिया रुक सकती है क्या, नहीं, और वो छींक देता है। अब तो कृष्णा टेंशन में आ गया कि मेरी 2 छींक हो गई, अब तो मेरे और मृत्यु में 1 छींक ही बची है। वो टेंशन, अब उसने सोच लिया नाना बंद, अब मैं नहीं नहाऊंगा, अरे जीवन से बढ़ के तोड़ना नहाना है। अब 3 दिन हो गए उसको बिना नहाए, उसे खुजली चलने लगी, पर नहीं कोई बात नहीं, मृत्यु नहीं आनी चाहिए, वो नहीं नहाता। तभी अचानक बड़ी बहू उसके पास आके बोलती है कि पिताजी आटा खत्म हो गया, आप गेहूं पिसा के ले आइए, क्योंकि आपका बेटा तो शाम को आएगा, वरना आज आपको व्रत करना पड़ जाएगा। किसना क्या करता है, वो गेहूं का कट्टा लेके चक्की वाले के पास जाता है। अब वहां पहले तो वो चक्की वाले को दे देता है गेहूं पीसने के लिए और खुद बाहर एक नीम के पेड़ के नीचे बैठ जाता है। लेकिन अचानक उसके दिमाग में आता है कि शायद हो सकता है चक्की वाला गेहूं में कुछ मिलावट कर दे, नकली आटा डाल दे, या कुछ मतलब कम गुणों वाला आटा डाल दे। तो वो क्या करता है, जहाँ पे आटा पिस रहा होता है वहाँ पे चली जाती है। तो जिस कमरे में चक्की लगी हुई थी उसमें कोई भी खिड़की दरवाजे नहीं थे, तो आप जानते हो ना जब आटा पिसता है तो उड़ता है हवा के अंदर, तो जो चक्की वाला है उसको तो आदत पड़ रखी है, उसको तो कुछ नहीं होता। लेकिन जैसे ही किसना अंदर जाके खड़ा होता है वहाँ पे और उसको लगता है कि उसके नाक में कुछ हो रहा है, लेकिन वो ध्यान नहीं देता। थोड़ी देर बाद जब उसका आटा पिसता है तो वो आटा लेकर
साइकिल पे रखता है, तभी उसे लगता है कि उसको छींक आ रही है और वो आटा लेके छींकता है और जमीन से पेट गिर जाता है और उसको क्या कहता है, अब तो मैं मर गया, मर गया। अब क्या होता है, आटे का कट्टा भी गिर गया, वो खुद भी गिर गया, उसको क्या लगता है, मैं मर गया। तब एक कुत्ता अचानक आता है, पहले तो किसना को सूंघता है और फिर आटे के कट्टे को छेड़ता है, तो किसना कहता है मैं मर गया इसलिए तू मुझे ऐसे कर रहा है ना, जिंदा होता तेरे को डंडे से देख के भगा देता, जोर से बोलता है। तो फिर वो कुत्ता क्या करता है, आटे के कट्टे को फाड़ने लग जाता है, तो किसना जोर से कहता है मैं मर गया इसलिए मैं तुझे कुछ नहीं कर सकता। इतनी देर में चक्की वाला वासन के बाहर आ जाता है, चक्की वाला कहता है कि क्या हुआ, तो उसने कहा मैं मर गया, मेरे आटे को इस कुत्ते से बचाओ। तो चक्की वाला डंडा लाता है और कुत्ते को मार के भगा देता है। तो चक्की वाला कहता है तुम खड़े क्यों नहीं हुए, बोले मैं तो मर गया, पंडित जी ने तो कहा था कि तीन छींके आने के बाद मर जाते हैं, तो मैं तो मर गया, मैं तो नहीं खड़ा हो सकता। तो चक्की वाला कहता है मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ और वो डंडे से उस किसना को मारता है, जैसे उसके लगती है वो एकदम से खड़ा हो जाता है, वो फिर उसको लगता है अरे मैं तो जिंदा हो गया। फिर वो बड़ा खुश होता है कि अरे मेरे को तो चक्की वाले ने जिंदा कर दिया, ठीक है। तो वो फिर घर आ जाता है, खुशी खुशी सब गांव में बताता है कि मैं तो तीन छींकों के बाद मर गया था लेकिन चक्की वाले ने मुझे जिंदा कर दिया, और फिर वो सालों तक जिंदा रहता है। कैसी लगी बच्चों कहानी, अच्छी है ना, आप पढ़ना इसको, बहुत अच्छी है। तो इस कहानी में अंधविश्वास के बारे में बताया गया कि हमें अंधविश्वास नहीं करना चाहिए, जन्म मृत्यु ये सब तो भगवान की देन है, जब हमारी मृत्यु आएगी अपने आप आ जाएगी, इसके बारे में क्या सोचना, ठीक है। तो पाठ समझ में आ गया होगा, अब एक बार अपन इसके मौखिक प्रश्न कर लेते हैं। आज आपको ना पहले सबसे पहले आपको चैप्टर पढ़ना है, ठीक है, कहानी मैंने सुना दी, चैप्टर पढ़ना है, फिर आपको इसके शब्दार्थ करने हैं, ठीक है। और मौखिक प्रश्न मैं बता रही हूँ, देखो किसना के कितनी बहुएं थी, दो, कितनी बहुएं थी, दो। किसना को पहली छींक किस कारण आई, भूसे के कारण, भूसे में कहता ना, तो भूसे के कारण। किसने किसना के आटे के बोरे के कुत्ते से बचाया, किसने किसना के आटे के बोरों को कुत्तों से बचाया, चक्की वाले ने, ठीक है। किसना अनाज का बोरा लेकर कहाँ गया था, चक्की के मालिक के पास, चक्की वाले के पास, चक्की के मालिक के पास। क्या छींक से किसी की मृत्यु हो सकती है, नहीं। तो बच्चों आज आपको इसके शब्दार्थ करने हैं और इसके मौखिक प्रश्न करने हैं, ठीक है, थैंक यू।